हमारे चैनल मिस्टर सेवक मैकेनिकल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी दबा दें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों आज आप वीडियो देखोगे इकोवाट ल्यूमिनस का है। प्रॉब्लम है इसमें कि ये बिल्कुल डेड हो चुका है, बिल्कुल डेड है। आज हम इसका फॉल्ट निकालेंगे। ये देखिए, ये ऑन ऑफ, और ये हमने सप्लाई लगाई तो ये बिल्कुल ये डेड है, कुछ नहीं कर रहा, कोई भी एलईडी वगैरह नहीं चला रहा। तो चलिए हम इसका जो फॉल्ट निकालते हैं, सबसे पहले हम इसका बोर्ड बार निकालेंगे। मैंने इसके जो चारों स्क्रू है वो निकाल दिए हैं। अभी हम देखते हैं, इसके पहले वोल्टेज देखते हैं बैटरी के। एक वायर हम लेंगे जो रेड वाली है वो बैटरी पॉजिटिव, और जो एक बोर्ड पर कसी है नेगेटिव। ये देखें वोल्टेज इसके आ रहे हैं पर ये काम नहीं कर रहा। उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले इसमें जहां पर लिखा होता है 12 वोल्ट ये देख, जहां पर लिखा है 12 वोल्ट SW स्विच ग्राउंड और 5 वोल्ट। 5 वोल्ट का इसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं, वो अलग है। पहले हम जहाँ पर देखेंगे, अगर जहाँ पर 12 वोल्ट आ गए जहाँ पर, तो हमारा जो फॉल्ट है वो माइक्रो कंट्रोलर की तरफ है। अगर जहाँ पर 12 वोल्ट नहीं आए तो फॉल्ट, ये वायर जो है ब्लैक वाली, ये नेगेटिव, और जो ये मैंने आपको बताया था ये रहे वो 12 वोल्ट, यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहे। इसके लिए दो रेजिस्टेंस लगी हैं, एक तो ये रही ये वाली 1 ओम की है और एक है यहाँ पर 1 ओम की। तो दोनों पर वोल्टेज चेक करते हैं। इस पर वोल्टेज दोनों साइड आ रहे हैं, ठीक है, और अब एक जे रही, ये दोनों सप्लाई की रेजिस्टेंस है, एक तरफ आ रही है दूसरी तरफ नहीं आ रही। इसका अब क्या है कि ये रेजिस्टेंस ओपन हो गई है, इसे हम नई लगा देते हैं। तो नई लगाने के लिए पहले आप बैटरी के वायर हटा दो, पीछे से जो मेन पावर सप्लाई है वो भी निकाल दो, ये जो जैक वगैरह है ये सभी निकाल देने हैं आपने, क्योंकि ये फॉल्ट ज़्यादातर जो पहले ल्यूमिनस के लॉन्ग वाले बोर्ड थे उसमें भी ये फ्यूज की जगह लगाई थी, और जहाँ पर भी आप दोस्तों अगर रेजिस्टेंस लगी है तो रेजिस्टेंस ही लगानी है, कुछ जंपर वगैरह मत लगाओ। ये रही रेजिस्टेंस 1 ओम की रेजिस्टेंस है, तो मैं आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ। हम कंटिन्यूटी पर रखा मीटर को, और ये देखो ये बिल्कुल ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम इसे नहीं लगाने जा रहे हैं। ये देखें मैंने अभी 1 ओम की रेजिस्टेंस है, ये 1 वाट है, इसकी आप रीडिंग देख सकते हो, ये रीडिंग है। पहले 1.5 वाट की थी रेजिस्टेंस, अब मेरे पास 1 वाट की थी तो मैंने 1 वाट की लगा दी।
थोड़ा सा साइज में बड़ी है। तो ये फीडबैक के लिए है और ये बैटरी सिलेक्टर के लिए है, चार्जिंग के लिए। तो हम ये वाली वायर अभी लगा रहे हैं, ये देखिए आवाज आ रही है। सेट हमारा ऑन हो चुका है और अब मेन सप्लाई भी देकर देखते हैं इसे। ये मेन सप्लाई भी आ गई और चार्जिंग भी आएगी। बैटरी थोड़ी सी चार्ज होने के कारण कम एम्पेयर ले रही है। तो हमारा जो सेट है ओके है।